सेफ हाउस ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। इसमें एक क्रिमिनल के पास एक बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और इसी वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसे सेफ हाउस में रखता है। ये सेफ हाउस इसीलिए होता है ताकि किसी को दूसरे खतरनाक लोगों से बचाया जा सके। इसमें आपको रायन रेनॉल्ड्स और डेंजेल वॉशिंगटन जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। रायन रेनॉल्ड्स इस सेफ हाउस की रखवाली करता है और वही डेंजेल वॉशिंगटन के कैरेक्टर को बचा रहा है। तो आखिर इसके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, मूवी की कहानी अच्छी है और इसका डायरेक्शन भी मुझे डिसेंट लगा। परफॉर्मेंसेज भी अच्छे हैं, डेंजेल वॉशिंगटन ने सबसे बढ़िया काम किया है। हालांकि रायन रेनॉल्ड्स का काम भी अच्छा है, लेकिन कुछ सीन्स में वो ज़्यादा ही हाइपर लग रहे थे, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लग रही थी। उन सीन्स को अगर छोड़ दे तो बाकी जगह पर उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन और गनफाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जो देखने में आपको मज़ा आएगा। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ इसे बनाया गया है। यह सिर्फ 1 घंटा और 55 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अब तक आपने जितने भी हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखे हैं, ये उन सब का मिक्सचर लगती है। जैसे कि कंप्यूटर से भरा हुआ एक रूम और फिर ये एक्शन सीक्वेंसेस, ये सब देखकर आपको जेसन बॉर्न मूवीज़ की भी याद आएगी। मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है और इसकी सिनेमाटोग्राफी भी मुझे पसंद आई। हिंदी डबिंग बढ़िया है और इसमें डायरेक्टली कोई एडल्ट सीन नहीं है, मतलब कि ओपनली कुछ भी दिखाया नहीं है। ओवरऑल दोस्तों, ये एक एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के एक बार इसे आप ज़रूर देख सकते हो, ये आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं इस मूवी को दूंगा 6.5 out of 10। 'Cause I've been living life.